हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ बालाजी भानवा से, और आज हम जाएंगे खेत को, और वहाँ पे आज मैं क्या क्या करने वाला हूँ वो दिखाने वाला हूँ आपको। तो चलिए मिलते हैं खेत में, तब तक के लिए। ये मेरे भाई की, ओके, आपको फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे। ये देखिए कहाँ पे फॉलो करना है आपको, फॉलो मी ऑन शेयर चैट, ओके, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये गाड़ी लेके जाने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं गाड़ी पे। फाइनली फ्रेंड्स, हम खेत में आ गए, और आज खेत में क्या करने वाले हैं पता है? पानी छोड़ने वाले हैं। वहाँ पे बोरवेल है, और यहाँ पे बांस को पानी पिलाएंगे। कल परसों बारिश हो गई थी, फिर भी हम बांस को पानी पिलाएंगे आज, ताकि उसकी ग्रोथ है ना अच्छी तरीके से हो जाए, ओके। तो चलिए, और थोड़ा कुछ काम है, ये वाला काम है, इसको थोड़ा यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे। यहाँ से पानी छोड़ेंगे, ऊपर लिखा पेड़ है वहाँ तक वो पानी जाएगा। उसके बाद जितने भी बांस के पेड़ है उनको पानी पिलाएंगे सबको। तो चलिए, पानी पिलाते पिलाते हम कुछ बातें करेंगे, और साथ ही साथ यार फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर किसी को अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगी, ओके। खेत का मज़ा लेते हैं, पानी पिलाने का मज़ा लेते हैं, इसको पानी छोड़ना है बास को। तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी का नाम यही है कि स्ट्रगल करना पड़ता है हर तरफ से, हर एक मोड पे स्ट्रगल करना पड़ता है सबको। तो मैं यही कहूँगा सबको कि स्ट्रगल करो, ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, ओके। तो काम करते रहो, खुश रहो, काम करेंगे और थोड़ा सा। ये मैंने गमछा अब से वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में और आगे के वीडियो में यही गमछा रहेगा। साथ ही साथ थोड़ा चेंजेस लुक, जैसे किसान जैसा लुक मैं पहले नहीं करता था, क्योंकि यार वीडियो निकालनी है, इसलिए मैं क्या करता था, थोड़ा सज धज के कपड़ा वगैरह अच्छा डाल के कर लेता था। मगर यार किसान का हुलिया कैसा रहता है आपको भी पता चलना चाहिए ना। जब किसान जो मेरा गेटअप है वही रहेगा, और किसान का गेटअप ही अलग रहता है। जब खेत में काम करता है तो उसका जो कपड़े पहनने का जो ये रहता है वो अलग ही रहता है। कपड़े पे मत जाओ, बहुत किसान लोग रहते हैं, कपड़े पे मत जाओ, क्योंकि उसके पास बहुत गट्स रहते हैं, वो खेती करता है, ओके। तो खेत में, क्योंकि खेत में ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं किसान लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कीचड़ भी रहता है और मिट्टी रहती है, इसलिए वो सब अच्छे कपड़े डाल दिए तो उसको गंदा लग जाता है, इसीलिए नहीं पहनते। यही सीधी सी बात है, इसीलिए वो पुराने कपड़े पहन के अपने खेत में काम करते हैं, ओके। तो चलिए, हम भी ऐसे ही करेंगे, और यहाँ पे पानी वगैरह पिलाएंगे आज। और उसके बाद हमारी दो भैंसें हैं, उसको चराने का काम आज करेंगे, उसको चारा खिलाएंगे, बाहर उनको घूमने को टहलने को लेके जाएंगे, ओके। तो फ्रेंड्स, हमको कुछ पाइप्स की ज़रूरत थी, ये देखिए मैंने पाइप ले ली है, और वहाँ पे पानी पिलाने के लिए कुछ पाइप्स की ज़रूरत है, इसलिए हम पाइप लेके जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए इसी के साथ हमने ये पाइप लगा दिए पूरे, ये देखिए यहाँ से यहाँ। चलिए बोरवेल ऑन कर देते हैं, और उसके साथ ही
पानी पिलाने का काम करेंगे। और यहाँ पे हमने उड़द लगाया है, ये पूरा उड़द है, और यहाँ पे अपने बोरवेल है, तो वहाँ तक अपने अपना जो फार्म हाउस है वहाँ तक पूरा उड़द है। और इसी में भी अपना बांस इसी में भी लगाया है मैंने, और ये है बांस यहाँ तक, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए इसी के साथ ये अपना ऑन। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने मोटर ऑन कर दिया और पानी यहाँ पे आ गया, यहाँ से ऐसा ये देखिए वहाँ। किसान भाइयों ये देखिए पसीना, खेत में इसी तरह से होता है। देखिए पूरा पसीना, ये देखिए इतना पसीना बहाना पड़ता है तभी खेती हो सकती है। ध्यान में रखो, हमने जो ये लगाया था पेड़, जो बांस का पेड़ लगाया था, वो कुछ आ गया है ज़मीन से, थोड़ा थोड़ा ग्रोथ हो रहा है, तो आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए ये पहले के सूट है, जो छोटे छोटे वाले हैं, ये वाला पहले का है, और उसमें बाकी का ये है ना, ये वाला नया आया है, ये देखिए ये देख सकते हो आप, ये कम से कम 1.5 महीने का है, महीना या 1.5 महीने का है। ये पहला वाला है, ऊपर का जो पहला वाला है, और ये है जो नीचे का, ये नया आया है। ओके, तो इसी तरह से सब आ गया है। और जो मैंने मेहनत की है अब तक 1.5 घंटा, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये वाली मेहनत, यहाँ से पानी आ जाएगा ऐसा, और ये सीधा यहाँ से ऐसा चला जाएगा वहाँ तक, और ये पानी वहाँ से आ जाएगा। 1919 करके एक जो ये आता है, वो अभी मैं इसको ये करने वाला हूँ, फायरिंग करने वाला हूँ इसके ऊपर, बांस के ऊपर। तो वो फायरिंग करने से क्या हो जाता है, फवारनी करने से इस पेड़ की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, जल्दी ग्रोथ हो जाता है। ये देखिए यह भी प्लांट है जो नया आया है, ये पहले वाला है, ये वाला देखिए, ये जब मैं इसका रूट्स लेके आया था तब का है। और ये जो है ये दो है, ये वाले दो, ये नए यहाँ से आ गए। तो यही है, यही दिखाना चाहता था आज। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ एक भैंस है, यहाँ एक भैंस है, इसको हम इस रस्सी से बांध के लेके जाएंगे चराने के लिए। ये देखिए वहाँ पे कैसा चराने का काम चल रहा है, वैसे इनको घूमने के लिए लेके जाएंगे वहाँ पे चारा वगैरह। देखो है पसीना, हुलिया तो पूरा बिगड़ गया है, कोई बात नहीं है, फिर भी हम अभी खेत का उतना काम कर दिए, बाकी का जो भी है काम वो बाद में करें। ये दोनों भैंस हैं, इसको लेके जाएंगे चारा इनको खाने के लिए, जो वेस्टेज खेत होता है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे उनको इनका भोजन खिलाएंगे। ओके, तो गर्मी तो बहुत है, इतना अभी बारिश का मौसम है, फिर भी क्योंकि बारिश गिरने के बाद दूसरे दिन थोड़ी सी धूप अगर ज़मीन पे गिर गई तो बहुत सारी गर्मी पैदा होती है, और थोड़ा सा भी काम कर लो तो पसीना बहुत आता है, और उस गर्मी में काम करना तो बहुत मुश्किल की बात होती है, बार बार इतना हीट बढ़ जाता है अपने इसका शरीर का, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए बाकी के फालतू बातें छोड़ देंगे, अभी हम काम करेंगे। तो चलिए इनको लेके जाएंगे, ठीक है। ये देखो ये भैंसे कैसे जा रहे हैं यहाँ से, और आगे जाके हम ऐसे ही ये जो वेस्टेज खेत होता है ना, फाइनली फ्रेंड्स हम यहाँ पे
जो वेस्टेज खेत होता है वहाँ पे पहुँच गए। ये देखिए ये पूरा वेस्टेज है यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसकी चराई करेंगे अपने भैंसों की। तो यहाँ पे ये देखिए भैंस चारा खा रही है, और यहाँ पे भी ये, इनको मैंने बांध दिया है क्योंकि इतना पूरा जो चारा है वो वाला ये सब जितनी रस्सी है उतने तक खा जाएगी ये। उसके बाद है ना हम दूसरी तरफ और उसको बांध देंगे, ताकि ऐसे दिन में 2-3 बार कर दो तो इसका पेट फुल भर जाएगा, और उसके बाद दिन भर इसको खाना इनका खिलाएंगे, भोजन खिलाएंगे, और उसके बाद मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। चलिए इनको ऐसे ही खाना खाने के लिए, इनका भोजन खाने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखो वहाँ पे भी है। तो ये मेरा फ्रेंड का खेत है, हमारा खुद का नहीं है। हमारे फ्रेंड के खेत में आया हूँ मैं, यहाँ पे उनसे परमिशन ली है ये चराई करने के लिए। तो सब ऐसे ही चल रहा है अपना गांव का व्यू, और पूरा खेत खलियान, ये देखो पीछे वाला खेत खलियान है, इतना हरा भरा है ना। फ्रेंड ने ना तूर लगाई है, आपको दिखाऊंगा। ये सब तूर का खेती है, ये देखिए यहाँ से वहाँ तक उसका कम से कम 10-15 एकड़ कुछ खेती है उनकी। तो यहाँ से पूरा उन्होंने ये लगाया है तूर, तो जो दाल बनती है ना उससे वो लगाई है। बादल भी आ गए हैं थोड़े से, और बाद में बारिश होगी या नहीं, मैं जब भी बारिश देखना है तो मैं अपना जो वेदर रहता है उस पे देखता हूँ, और उसके बाद डिसाइड करता हूँ कि आज बारिश आने वाली या नहीं है। तो इसी तरह मेरा डेली का व्लॉग रहता है, मेरा जो लाइफस्टाइल है अपना गांव का जो भी है वो दिखाऊंगा आपको। हर वीडियो में मैं क्या काम करता हूँ, और मेरे व्लॉग से दो चीज़ें होती है, मैं खुद अपना जो व्लॉग गांव वगैरह दिखाता हूँ, और उसके साथ ही साथ मैं कोई कोई इन्फॉर्मेशन ही देता रहता हूँ। बहुत सारे जो सिटी में या अपने गांव से बाहर गए हुए रहते हैं उनको पता चलता है गांव में क्या क्या नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मेरे वीडियो के ज़रिए उनको थोड़ी सी मदद भी हो जाती है कभी कभी, कि यार हाँ इसके वीडियो में मैंने देखा था कि यहाँ पे था, ऐसा हो गया है या नहीं हो गया है। और गांव का सब खेत खलियान भी देख सकते हैं, जो भी गांव से बाहर चले गए हैं वो सब लड़के लोग या जो भी है सब लोग। तो यही अभी ट्राई कर रहा हूँ यहीं पे यूट्यूब पे, जो कि जब तक ऑडियंस ना आ जाए तब तक कुछ नहीं होगा हमारा। तो ऐसे ही वीडियो बनाते रहना है, और उसके साथ ही अपना जो बोलते हैं मेहनत करना पड़ता है, जो खेत की भी मेहनत अलग होती है और इसकी भी मेहनत अलग होती है ना। बोलता है यार लाइफ में थोड़ा सा तो स्ट्रगल करना पड़ता है। अभी तो बहुत सारा स्ट्रगल कर दिया था, बहुत सारा मैंने जॉब वगैरह कर लिया था मैं, मगर मुझे अच्छा नहीं लगा कि किसी के अंडर के नीचे मैं काम करूं, क्योंकि मेरे ऊपर कोई बॉस रहेगा। तो खेत में आके इतना पता चल गया बॉस वगैरह कुछ कोई मालिक या कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है, मैं खुद जो भी काम कर सकता हूँ करता हूँ, और मेरे मन में जब आएगा काम करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ऐसा होता है जब लाइफस्टाइल अलग होती है, अपनी खुद की होती है तो। और इनकम भी बहुत होती है जब मैं और सारे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, और प्लानिंग भी बताऊंगा साथ ही साथ अपने ब्लॉग के साथ अपने ब्लॉग पे, कि खेती किस तरह से करी जाए, या प्लानिंग कुछ रहते हैं ना अपने खेत की प्लानिंग, वो सब आपको बताऊंगा। कोई अलग अलग प्लानिंग बताऊंगा, हर तरह के प्लानिंग बताऊंगा कि इतने में इतना हो जाएगा, इतना मैं एक अंदाज़ा लगाऊंगा। तो आपको पसंद आया तो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आप पे डिपेंड है। ओके चलिए दोस्तों, इसी के साथ बहुत और इसी के साथ अपना ये व्लॉग ख़त्म होता है। जो चैनल पे नए हों तो
वो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगी। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।